दोस्तों, आपने ओलेक्स का नाम तो सुना ही होगा और हमारे बहुत सारे दोस्त ओलेक्स को यूज करते भी होंगे। ये एक क्लासिफाइड वेबसाइट है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट मार्केट में हैं, तो कभी ना कभी हमने ये वेबसाइट को यूज किया है कुछ सेल करने में, कुछ परचेज करने में। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज सेल करते रहते हैं, तो दोस्तों आजकल ऐसी वेबसाइटों पर भी बहुत सारे फ्रॉड शुरू हो गए हैं, तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम अपील की थी कि अगर आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड आपने रिकॉर्ड किया है, तो आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे दोस्त शुभम जो राइडर हैं, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भेजी है। उनके साथ एक फ्रॉड होते होते बचा, उन्होंने ओलेक्स पे ऐड दी थी अपने मोबाइल की सेल के लिए, तो उनके साथ भी फ्रॉड होते होते बचा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ्रॉड करने वाले ने क्या क्या तरकीब लगाई फ्रॉड करने की, ताकि उनसे कुछ पैसा ऐंठा जा सके हमारे दोस्त से। तो शुभम तो समझदार थे, समझ गए, तो वो तो बच गए। लेकिन क्या क्या तरीके अपनाते हैं फ्रॉडर, ये आपको जानने की जरूरत है। आपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए ये वीडियो आप जरूर देखिए, उनको शेयर कीजिए। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने दो वीडियो डाली हैं, मेरे को भी एक फ्रॉड कॉल आई थी, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी कि कैसे लोग फ्रॉड करते हैं। और एक और हमारे दोस्त को भी ऐसी कॉल आई थी, उसने तो उसका जीजा बन के उसको लूटने की कोशिश करी, तो उसका भी लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा ताकि आप अलर्ट हो जाएं, ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं। और दोस्तों, कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें अभी से। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और सर, आपने ओलेक्स में ऐड डाला हुआ सर मोबाइल का? हाँ जी। और सर कितना पेमेंट लगेगा सर इसका? 3500। 3500? हाँ जी। 3000 नहीं होगा सर? हो जाएगा। और सर, हाँ हो जाएगा। इसका बिल डब्बा था ना मोबाइल का सर? नहीं, बिल डब्बा नहीं है, बस फोन फोन है। मम्मी फोन है। आप कहाँ रहते हो सर? मैं महिंद्रा पार्क। महिंद्रा पार्क रहते हो नहीं? हाँ जी। फिर भेज दो बेटा लेने के लिए सर। भेज दो। पता आपको महिंद्रा पार्क का है क्या सर? पता है आपको महिंद्रा पार्क कहाँ पर है? हाँ सर। कहाँ पर है? मेरे बेटे को पूरा मालूम है सर। आपको नहीं पता? आपके बेटे को पता है, तो आपका बेटा चलाएगा, आप चलाओगे? नहीं, बेटा आएगा ना मेरे सर लेने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर भेज दो, रास्ता तो पूछ लो। और अपना देखो, ये बोल रहे सर पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा सर? पेमेंट आप, मैं मुझे ऑनलाइन चलाना तो आता नहीं है। देखो भैया, मैं पेमेंट ऑनलाइन डालता हूँ, मैं तो फिलहाल बाहर हूँ, मेरा बेटा आएगा लेने के लिए। अपना लोकेशन है, आप ऑनलाइन क्या चलाते हो उस पर डाल देता हूँ सर। नहीं भैया, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन तो चलाता नहीं, पर आप बोलोगे तो चला लूंगा। बताओ क्या करना है? आप फोन पे गूगल पे चलाते हो सर? फोन पे चलाता हूँ, फोन पे चलाता हूँ। फोन पे चलाते हो? हाँ जी। अपना फोन पे का नंबर और अपना लोकेशन सेंड कर दो सर व्हाट्सएप पर। मुझे मैसेज भेजो व्हाट्सएप पे। चलो मैं हाई लिख के सेंड कर रहा हूँ। अपना फोन पे का QR कोड है, अपना लोकेशन सेंड कर देना, ठीक है? हाँ, मुझे पहले हाई तो भेजो। सर अपना फोन पे का QR कोड व्हाट्सएप पर कर दो। वो कैसे करूँ सर? हाँ सर, हमको चलाना नहीं आता, वो कैसे करूँ बताओ? फोन पे का? गूगल पे चलाते हो? नहीं, सिर्फ फोन पे। फोन पे वाला नंबर सेंड कर दो व्हाट्सएप पर। वो यही वाला है? यही वाला फोन पे वाला नंबर? हाँ जी। हेलो। हाँ चलो ठीक है। आपका कौन सी बैंक का है सर? कौन सी बैंक में है आपका खाता? भाई मेरे तीन बैंक में है खाते। तीन बैंक? चलो अभी डला रहा हूँ इसी में, ठीक है? ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ भाई। हाँ सर, अपना फोन पे ऐप्स ओपन करो। फोन पे? हाँ फोन पे ऐप्स ओपन करो, मैं पेमेंट डाल। कर लिया। अब ओपन कर लिया, रुको एक सेकंड। हाँ आया सर, 3000 का फोन पे। हाँ आया। हाँ मूवी भी लिखा हुआ इसमें तो। हाँ मूवी की, मूवी की पे क्लिक करो सर। क्लिक तो नहीं रहा उसमें, तो लिखा आ रहा है पे लेटर डिक्लाइन। हाँ अपने पे, अपने अकाउंट में पे कर लो सर। भाई पे करने का मतलब तो वो होता है ना, पे मतलब देना। अरे यार मैं अपने कार्ड से डाल रहा सर, अपने अकाउंट में पे कर लो सर। समझ नहीं आ रहा, अपने अकाउंट पे कैसे करते हैं? हम तो पे दुकान वाले को करते हैं। अरे मेरा आर्मी की तरफ से कार्ड बना हुआ है, मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ सर अपने अकाउंट अच्छा, में पे कर लो। आर्मी से हो आप? अरे भाई आप तो हमारे देश के जवान हो। अरे भैया सल्यूट आपको। हेलो। हाँ हाँ कर लो ना सर, ये पेमेंट सर चाइल्ड हो जाए। हाँ पेमेंट तो कर रहे हैं, मैं आपको सल्यूट कर रहा हूँ, आप आर्मी की तरफ से हो। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार? शिव कुमार। अरे भाई नाम भी इतना बढ़िया आपका। तो फिर आप तो, अगर आप आर्मी की तरफ से हो तो आपका बेटा कहाँ है? आपके साथ नहीं रहता वो? नहीं मेरे साथ नहीं, चांदनी चौक है ना पढ़ाई करने के लिए। अच्छा चांदनी चौक में पढ़ाई कर रहा है? अरे यार मेरा पेमेंट फाइल दिन जा रहा है सर। अच्छा अच्छा अभी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ।
इस पे क्या करना है, पे पे क्लिक करूँ लेटर पे डिक्लाइन पे? पे 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 करता हूँ। अच्छा अभी पता नहीं कुछ पासवर्ड सा मांग रहा है। क्या मांग रहा है सर? पे के बाद सेंड आ रहा होगा। अरे नहीं पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड। पासवर्ड डाल के चेक करो भैया। पासवर्ड तो मुझे किसका बताओ, पासवर्ड बताओ। अपना पासवर्ड डाल के चेक करो सर। भैया मैम मुझे कैसे पता होगा, ये तो मुझे आपने भेजा, आप बताओ पासवर्ड क्या डालू। अरे अपने अपने जो कंप्यूटर में अपने पिन बना रखा हो सर, उसके डाल के चेक करो सर। पिन? ये फोन भैया पिन विन नहीं बनाया मैंने, ये मेरा फोन पता है मेरा भाई इस्तेमाल करता है। आप फोन कर रहे हैं? हाँ आप फोन पे यूज कर रहे हैं? फोन पे? हाँ हाँ। आप अपना बैलेंस चेक करते होंगे ना? भैया मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर ये जो मुझे मुझे चलाना नहीं आता ज्यादा से, ये मेरा भाई चलाता है, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। पूछूं क्या उससे? आप पूछो, बात बोलो उनसे। अभी उससे पूछता हूँ ठीक है। हाँ भैया उसने बता दिया मेरे को, अभी मैं करता हूँ ठीक है। उसने मुझे बोला है, उसने मुझे बोला 0000 डाल दे। डाल दूं मैं? डाल दो भैया। इसमें तो ये लिखा सा आ रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है ऊपर चल रहा है। अब गोल गोल घूम रहा है अभी। हाँ पर भैया इसमें तो लिखा आ गया ट्रांजैक्शन फेल्ड, इनसफिशिएंट बैलेंस। मतलब आपने मुझे कम पैसे भेजे हैं? नहीं कम क्यों भेजता था भैया, इसमें तो लिखा है ट्रांजैक्शन फेल हो गई या कम इनसफिशिएंट बैलेंस। मेरे इधर से तो कुछ भी नहीं आया। अपना मेरी बात सुनो सर। बोलो। अपना बैलेंस चेक करना है आपका कितना है सर? अभी मेरा डाला ही नहीं है। अभी देख पूछता हूँ। हेलो सर। अब भैया मेरे अकाउंट में 2 रुपए पड़े हुए हैं। कैसे कम बैलेंस हो उस पर देखने पाएगा सर मेरे हिसाब से? मतलब मुझे पहले अपने अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे? हाँ 21 रुपए अपने अकाउंट में होगा ना, उसका भी जा पाएगा सर। कितने रुपए? 21 2000। 2000 सर? 2000 तो मैं पहले किससे 2000 रुपए मांगू? चल मैं उसको बोलता हूँ यार, मुझे कैसे सेंड 2000 रुपए? भाई मेरे को बोल रहे हैं मुझे 3000 सेंड कर देंगे ना, 2000 रुपए डालियो मैं दे दूंगा अभी तेरे को। अरे तो क्या हो गया यार। मेरी बात सुनो सर। हाँ भाई। कोई दूसरा अकाउंट है जिसमें जीरो बैलेंस वाला नहीं, उसमें तुरंत हो जाएगा सर? हाँ दूसरे में, चलो दूसरे में देखता हूँ ठीक है, एक मिनट रुको। हेलो हेलो। हाँ भाई इसमें है, इसमें से 200 रुपए पड़े हुए हैं दूसरे वाले में, जीरो वाला नहीं है ये। 200 रुपए इसमें नहीं जा पाएगा सर, कोई दूसरा अकाउंट देख लो जिसमें चीज है, उसमें तुरंत हो जाएगा सर। अरे भैया जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पैसे भेज रहे हो और आप कह रहे हो मेरे फोन में उसमें पैसे होने चाहिए। मेरी बात सुनो सर, मैं अपने कार्ड से डाल रहा हूँ सर, आपके अकाउंट में 21 रुपए से कम बैलेंस होगा, उसमें जा नहीं पाएगा सर। सर ये ऐसा तो होता नहीं। चलो मैं एक बार, अगर आप ऐसे बोलते हो तो मैं एक बार एटीएम जाता हूँ, एटीएम से पैसे निकाल के देखूँ क्या निकल रहे नहीं निकल रहे एटीएम से। हाँ भैया एटीएम से तभी मेरे घर पे चला तो ही नहीं, निकाल के तभी पाओगे सर। तो क्या करूँ मैं फिर, अब मुझे भेज दो ना पैसे। इसमें दूसरे बैंक का अकाउंट है आपके पास? भैया 3 अकाउंट है, 2 में तो पैसे नहीं है, तीसरे में देखता हूँ। तीसरे में हो गई नहीं, मेरे पास है नहीं भैया यार, मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, फोन बेच रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ खा पी लूंगा फोन बेच के। चलो ठीक है, नहीं है पैसा अपने फ्रेंड वगैरह हो उसमें डाल देता हूँ सर। हाँ किसमें? कोई आपका फ्रेंड हो, कोई कुछ कोई भी हो सर, उसमें डाल देता हूँ। अच्छा पेटीएम चलाते हो? पेटीएम? सॉरी भैया पेटीएम नहीं चलाता। पेटीएम नहीं चलाते सर? अच्छा ये कभी एक बात बताओ तो और कोई तरीका क्या है इसका? फिर मैं अपने दोस्त से ले लूँ पैसे, फिर उससे डलवा लूंगा अपने फोन में। हाँ उससे 2100 डला लो, तुरंत डाल देता हूँ फिर सर। अच्छा तो सर आप क्या मतलब आपके फोन का क्या करोगे, अपने बच्चों को दोगे? मेरा बेटा आएगा सर लेने के लिए। भाई कभी आपने सोचा आपका बच्चा कभी पैदा होगा भी, जिस तरह आप हरकतें कर रहे हो? क्या सर? कभी जिंदगी में हमारा बच्चा पैदा होगा भी, तुम्हें मार देगा वो, पता है तुमको क्या होगा? अरे तो देखा दोस्तों आपने कैसे कैसे इस फ्रॉड कॉलर ने क्या क्या तरीका अपनाया कि किसी तरह से मैं हमारे दोस्त शुभम से पैसे निकलवा सकूं, लेकिन हमारे दोस्त शुभम काफ़ी समझदार थे, वो बच गए। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी को पे नहीं करना है, कोई भी लिंक आए या कोई आपको गिफ्ट कार्ड भेज रहा है झूठा मूठा, वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने बताया कि हमें गिफ्ट कार्ड आते हैं आप इसको रिसीव कर लीजिए, तो वो बाय चांस रिसीव नहीं, वो उल्टा पेमेंट हो जाती है। तो इस तरह से कभी भी कोई भी गिफ्ट कार्ड आए या इस तरह से कोई पेमेंट, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ लेकिन आप उसने कोई आइटम आपकी चेक नहीं करी, कुछ नहीं करा, आपको सीधा पेमेंट कर रहा, तो आप समझ जाइए ये कोई गड़बड़ है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए
और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। और अगर कोई मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक तो बनता है दोस्तों। अंत में दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद।